हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। अक्सर बच्चों को यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में कई कन्फ्यूज़न्स रहती हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी कन्फ्यूज़न बच्चों की दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, यानी कि जिसको एक स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है कि हम डिस्टेंस या लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ये ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड तो है मीटर। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से यूनिट्स हैं जो मीटर से ग्रेटर भी हैं और मीटर से स्मॉलर भी हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले इन सभी यूनिट्स के बारे में जानते हैं, फिर इनकी कन्वर्जन पढ़ेंगे हम। पहले देखते हैं ग्रेटर यूनिट्स कौन से हैं। ये देखिएगा, डेकामीटर, ध्यान से देखना, 1 डेकामीटर, DAM शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। एक तो ये याद रखना है, 1 डेकामीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 10 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर, यूजली इनसे सब लोग फेमिलियर नहीं होते, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं जी। हाँ, इस जो अब करने जा रहे हैं इसमें सभी फेमिलियर हैं, बिकॉज किलोमीटर हम यूजली यूज करते हैं, 1 किलोमीटर जिसे हम KM से डिनोट करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, बच्चों को बड़े आराम से करवा सकते हैं इसको। 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, राइट। तो ये हैं ग्रेटर यूनिट्स जो मीटर से बड़े हैं। अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें, ये स्मॉलर यूनिट्स कौन से हैं, आप ध्यान से देखिए, जैसे 1 मीटर में, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर्स, DM से डिनोट करेंगे इसको, ओके। और 1 मीटर में, अगर सेंटीमीटर्स की बात करें, इससे सभी फेमिलियर हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट। इसको CM से डिनोट करते हैं, 100 सेंटीमीटर यूजली यूज कर ही रहे हैं हम। एंड थर्ड इज 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये होते हैं 1000 मिलीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में, मिलीमीटर, राइट। तो कुछ यूनिट्स ग्रेटर हैं और कुछ यूनिट्स स्मॉलर हैं। हमें इन यूनिट्स को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ये हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ से अगर आपको कुछ रिलेशंस बनाना सिखाऊं कि किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्जेंस की जा सकती हैं, देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में ही 1000 मिलीमीटर। मैं इसी की एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बाकी आप अपने आप जब क्वेश्चंस करेंगे अपने आप होने लगेंगे। ये देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मैं जाने 100 सेंटीमीटर लिख लिया। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ से क्या देखा कि 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो मुझे यही टेबल से ही क्लियर हो गया कि जब 1 मीटर इसके बराबर, 1 मीटर इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होने का मतलब 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, आपको याद होगा ये कंसेप्ट, जब हम 1 सेंटीमीटर निकालते तो ये 100 क्या हो जाएगा, 1000 के नीचे आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक रिजल्ट हमने ड्राइव कर लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे। तो बस इसी तरह से जब कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इसी तरह से कन्वर्जेंस हमें करनी आनी चाहिए और ये वैल्यूज़ हमने याद रखनी है, राइट। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
लुक एट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, चेंज टू मीटर्स. अभी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. ए पार्ट देखिए 5 किलोमीटर. अब अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो बस रिलेशन याद होना चाहिए. क्या रिलेशन था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, हमें कितने में निकालना है, 5 किलोमीटर में निकालना है. तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे, 5 × 1000, यानी कि 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 5000 मीटर. तो इस तरीके से हमने रिलेशन याद रख के बिल्कुल बड़ी आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास आ जाए 3 HM. अब मैंने HM क्यों लिखा, याद रखना है HM का मतलब हेक्टोमीटर. हमने टेबल पढ़ा है उसमें हेक्टोमीटर था. अब 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं, ये भी याद रखना है, 100 मीटर होते हैं. तो 3 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आंसर कितना आएगा, 300 मीटर आएगा. चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो. मान लीजिए 6 डैम, DAM, याद है इसको क्या बोलते थे, डेकामीटर. 6 डेकामीटर अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले रिलेशन याद रहना चाहिए, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, वो कितने होते हैं, 10 मीटर होते हैं. तो 6 डेकामीटर में कितने मीटर्स होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आंसर विल बी 60 मीटर्स, राइट. नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं. अभी सबको इंडिविजुअली किया, मान लीजिए इकट्ठा आ जाए 3 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर एंड 6 डेकामीटर. इसे मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो अब ये सारे कंसेप्ट इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में यूज करेंगे. 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 डेकामीटर को कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब इनको ऐड करना रहेगा, 3760, यानी कि अब इनको अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3760 meters. तो ये था हमारा किलोमीटर, हेक्टोमीटर या डेकामीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं. चलिए चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. चलिए ये देखिए, चेंज इनटू किलोमीटर एंड मीटर. मान लीजिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, 4500 मीटर, इसे अब किलोमीटर और मीटर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से हमें बच्चों को सिखाएं. ये देखिए, पहले 4500 को स्प्लिट करवा दीजिए 4000 + 500 में, राइट. क्योंकि एडिशन तो बच्चे सीख चुके हैं तो इनको स्प्लिट करना सिखा दीजिए. 4000 को कैसे 4000 बनता है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करके, राइट. तो ये बन गया 4 × 1000. अब ध्यान से देखिएगा, 1000 का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे मीटर में ही सारी कन्वर्जन चल रही है ना, इसका मतलब ये मैंने 1000 मीटर लिखा है. और ये 500 क्या है, 500 मीटर है. अभी क्योंकि आंसर मीटर में, मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया भी, आप 4 × 1000 का मतलब 4000 मीटर समझें और ये 500 मीटर समझें. अब 4 × 1000 मीटर, हमने क्या पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि अगर 1000 मीटर है तो उसे 1 किलोमीटर लिख सकते हैं. ये हो गया 1 किलोमीटर, ये एज इट इज 4 × 1, 4, यानी कि आंसर क्या आएगा, 4 किलोमीटर 500 मीटर. तो एक तो ये मेथड है, जो छोटे बच्चों की क्लासेस में ट्रेडिशनल मेथड, इसी को ऑप्ट किया जाता है, वहां पे इसी तरह से क्वेश्चन आता है किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट किया जाए. लेकिन हमारे पास बड़ी क्लासेस में जो बच्चे आ जाते हैं वहां पे भी इसको कन्वर्जन करनी पड़ती है, लेकिन वहां कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी साथ में ही देख लेते हैं. अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, मुझे आंसर किस में निकालना है. मान लीजिए मुझे आंसर आ जाए कि कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, मुझे 4500 को किस में कन्वर्ट करना है,
किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, क्योंकि मुझे पता है 1000 मीटर कितना बनाता है, 1 किलोमीटर। जिसमें मुझे आंसर निकालना है उसको राइट साइड में रखेंगे, बस इतना याद रखना है। यानी कि 1 मीटर में कितना होगा, जब 1000 के नीचे 1 लगाया तो ये 1000 यहाँ नीचे आ जाएगा। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। मेरे पास कितने मीटर हैं, 4500। तो 4500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो बस इसी 1/1000 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4500 को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 20 से 20 कट गई और आंसर कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर। तो एक तरीका तो ये भी है याद रखने का। और तीसरा तरीका क्या है याद रखने का, कि सीधा याद रखा जाता है कि अगर मुझे किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास 4500 मीटर्स हैं, राइट, अगर मेरे पास 4500 मीटर हैं, तो मुझे अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4500 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर आएगा। तो ये कई मेथड हैं क्वेश्चन को करने के, लेवल के हिसाब से। 5वीं 6वीं का बच्चा है तो वो इसी हिसाब से करते हैं, 8वीं 7वीं में पहुंच गए तो इस तरीके से करते हैं, 9th 10th के बड़ी क्लासेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सीधा 1000 से डिवाइड करना आना चाहिए। तो ये इसी तरह के मेथड्स को हमें फॉलो करना है। तो आई होप ये कन्वर्जन समझ आ रही होगी। चलिए कुछ और पार्ट्स करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे 3 कन्वर्जन आपके सामने हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो आइए इसी के क्वेश्चंस को हम करते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 250 मीटर्स आ गया और हमें क्या कहा गया कि 250 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, राइट। तो 250 मीटर्स में कितने डेसीमीटर होंगे, इसी 10 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर कितना आएगा, 2500 डेसीमीटर। आगे चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास आ जाए कि 110 मीटर को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, तो भी हमें ये रिलेशन याद रखना है कि 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 110 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, इसी 1000 से 110 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 4 जीरोज आएंगी, 1 जीरो इधर, 3 इधर, राइट। तो 110 मीटर में 110,000 मिलीमीटर होंगे। तो इस तरीके से कन्वर्जन करनी होती है। मान लीजिए अब यही क्वेश्चन मैं करूं कि 110,000 मिलीमीटर है हमारे पास, 110,000 मिलीमीटर है और इसी को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आ जाए, ये तो मीटर से इधर गए ना मिलीमीटर में, तो अब इसके लिए क्या करना है। तो अब आपको याद होगा, पहले मैं थोड़ा सा रफ वर्क करवाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। आपको ये कंसेप्ट इस वीडियो की स्टार्टिंग में करवाया था कि देखिए 1 मीटर इसके इक्वल, 1 मीटर इसके इक्वल, यानी कि 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर दोनों इक्वल हैं, राइट। यही करवाया था, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर एक ही बात है। तो यहाँ से 1 मिलीमीटर का आंसर निकल सकता है, ये 1000 नीचे आ जाएगा और कितना बनेगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक लाइन याद रख के रिलेशंस आप बना सकते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, या हमने क्या पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो इसी कंसेप्ट को अब यूज़ करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन करने के लिए, देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। 1 मिलीमीटर में हमने अभी अभी प्रूव किया था, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो मेरे पास कितना है, 1,10,000 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा, 11,000 सेंटीमीटर। इसको या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेरे पास अगर 1,10,000 मिलीमीटर है और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बस 10 से डिवाइड कर दीजिए,
10 से डिवाइड कर दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा, 11,000 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये कन्वर्जेंस क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने आज करवा दिए हैं यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क अभी देंगे। ये देखिए ध्यान से स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई कीजिए, और अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी नंदकिशोर क्लासेस@gmail.com पर कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।